क्लाइमेक्स अभी बाकी बेटे। दोस्तों, मेलिना WWE की सबसे खूबसूरत सुपरस्टार में से एक है और आज की शानदार वीडियो में आप लोग देखेंगे मेलिना की कुछ ऐसे मोमेंट्स जो कि अपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, तो वीडियो बहुत ही शानदार होगी, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। नंबर वन, प्यार का सपना टूट गया। फ्रेंड्स, एक बार रॉकी एक एपिसोड में आए थे विंस मैकमैन और हॉर्नसॉगल और इसके बाद एंट्री हुई बहुत ब्यूटीफुल सुपरस्टार मेलिना की और मेलिना को देख के हॉर्नसॉगल का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखों में चमक आ गया था और फाइनली मेलिना रिंग पे एंट्री किया और हॉर्नसॉगल को बोला कि तुम बहुत क्यूट हो और ये बात सुन के हॉर्नसॉगल खुशी में पागल हो गए थे। मतलब लड़के लोग ऐसे ही होते हैं, अगर लड़के ने तारीफ किया तो भाई गए काम से, और ऐसे ही हुआ हॉर्नसॉगल के साथ कि वो लड़के बहुत इनोसेंट होते हैं। और इसके बाद मेलिना हॉर्नसॉगल को एक निक नेम दिया और हॉर्नसॉगल को हॉर्नी बोल दिया और उनको बोला मुझे जानना चाहते हो तो मेरे पास आओ, और हॉर्नसॉगल बेचारा मेलिना के ऊपर जंप किया और इसके बाद बहुत एक्साइटेड हो गए थे। और कुछ रोमांटिक सीन होने के बाद एक टकला सुर हॉर्नसॉगल को अलग किया मेलिना से, लेकिन विंस मैकमैन ने बोला कि जो भी करना यहाँ पे नहीं, बैक स्टेज में करो, और इसके बाद बोला यूज प्रोटेक्शन। लेकिन कहानी आप शुरू होती है क्योंकि बैक स्टेज में एक फीमेल सुपरस्टार जिसका नाम था जिलियन हॉल, वो मेलिना को बोलने लगे कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड हॉर्नसॉगल। और इसके बाद मेलिना अपने रंग बदली और अपनी सहेली को बोला कि मैं तो इसे एक्टिंग कर रही थी ताकि मुझे एक मैच मिले चैंपियनशिप के लिए, और मैं हॉर्नसॉगल को पसंद नहीं करती कि वो बहुत ही छोटा है हाइट में। और ऐसे ही हॉर्नसॉगल का सपना सपना ही रह गया। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। गाइस, बहुत साल पहले रॉकी एक एपिसोड में हुआ था एक प्रोमो जॉन सीना और मेलिना के बीच, और जॉन सीना मेलिना को बोला कि आज तुम बहुत अलग दिख रहे हो, और मेलिना बहुत एटीट्यूड में आ गए थे। और इसके बाद मेलिना बोली कि आज एक मैच होगा तुम्हारे साथ मेरे बहुत ही खास दोस्त का, और ये देखो उसका चेहरा। और ये बात बोल के जॉनसन को थप्पड़ जड़ दिया मेलिना, और जॉनसन ने कुछ दिन मुस्कुराने के बाद एटीट्यूड एडजस्टमेंट यानी कि एए मूव मारने की कोशिश किया मेलिना को, लेकिन बहुत देर कर दिया, और इस मौके के फायदे लेके मेलिना के फ्रेंड ने बचा लिया मेलिना को। नंबर थ्री, गोटी गायब। गाइस, बहुत साल पहले रॉकी एक एपिसोड में हुआ था वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर मैच मेलिना और जिलियन हॉल के बीच, और एंट्री किया वुमेन्स चैंपियन बेथ फिनिक्स और साथ में थे सेंटिनो मारेला। बट एट द एंड इस मैच में मेलिना बीट किया था जिलियन हॉल को, और इसके बाद सेंटिनो मारेला मेलिना की एंट्री कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, पहले कॉपी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बहुत देर तक कोशिश करने के बाद एट द एंड जैसे कॉपी करने की कोशिश किया तब सेंटिनो रिंग से नीचे गिर गए थे और उनके गोटी गायब हो गया और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे थे सेंटिनो मारेला। और गाइस, यही तक थी आज की ये वीडियो। तो कैसी लगी ये वीडियो, एक कमेंट तो कर दो, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।